हम इस वीडियो के अंदर एक पॉट ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर कुछ प्लांट लगे हैं। तो सबसे पहले डॉटेड लाइन को फॉलो करते जाते हैं। फॉलो करने के बाद में ये हमारी शेप तैयार हो गई। इसके बाद में शेप के ऊपर एक दूसरी शेप बना देंगे जिससे हमारा पॉट कंप्लीट रूप से तैयार हो जाए। तो ये हमारा पॉट बन के तैयार है। अब इसके अंदर जो भी पौधे वगैरह है वो लगा देंगे। तो उसके लिए आपको इस प्रकार की शेप्स बना देनी है जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये हमारी शेप बन गई, आप देख सकते हैं आर्ट कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर हमें कलर फिलअप करना है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसके अंदर कलर फिलअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज करता हूँ और चूज करने के बाद में इस कलर को इस प्रकार से यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉट के अंदर तो कलर फिलअप कर दिया, उसके बाद में प्लांट के अंदर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लांट के अंदर भी कलर फिलअप हो रहा है। ये हमारे प्लांट के अंदर भी कलर फिलअप हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब अवर चैनल।